कांग्रेस के लोगों को शायद कालिदास का कहानी पढ़ लेना चाहिए बहुत काम में आने वाला है कालिदास का कहानी तो आज भी कुछ चमचे हैं, कुछ बेवकूफ हैं, जो उन्हें किसी तरह सही ठहराने का कोशिश कर रहे हैं क्या करें भाई स्टेटमेंट तो आ गया कि हिंदू असत्य होते हैं हिंदू हिंसा करते हैं आ तो गया वो बोल तो गए शायद वो बिना जाने बोल गए उनका दिमाग का एक उतना ही है वह शायद समझ भी नहीं सके वह क्या कह रहे हैं लेकिन कह तो दिया अब उसको बचाना है अब कैसे बचाएं तो एक झूठ बोलने का तरीका है फैक्ट चकर ये जो फैक्ट चेकर है ये झूठ बोलने का जो काम करता है सोशल मीडिया में उसे फैक्ट चेकर कहते हैं तो ये एक बात है। दूसरा बात है है अब उनको कैसे जस्टिफाई किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहें अच्छा आज राहुल गांधी के भाषण के दौरान अमित शाह और मोदी जी और या दूसरा कोई बीजेपी लीडर कितना बार खड़ा हुआ कितना बार बैठा वे चार बार खड़ा हुआ कि तीन बार बैठा इससे किसी लीडर का महानता साबित नहीं होता राहुल गांधी भाषण दे रहे थे अमित शाह ने तीन बार टोका तो इससे क्या राहुल गांधी का महानता साबित हुआ अमित शाह चार बार उठे तो इससे क्या राहुल गांधी का महानता साबित होता है मैंने उनको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह इसको जस्टिफाई करे क्योंकि उनका एक जघन्य भाषण था उन्होंने कहा हिंदू क्या होते हैं हिंसा करते हैं हाँ हिंदू असत्य 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 एक बार नहीं तीन बार का ता अब क्या करे नफरत घृणा जितना भी वही डीएम के वाला डेंगू मलेरिया खाली नहीं का बाकी सब कह दिया यार डीएम के के वो स्टालिन के बेटे से थोड़ा ट्रेनिंग लेते तो शायद कह देते हिंदू डेंगू मलेरिया कैंसर सब कह देते तो उससे थोड़ा ही दूर रहे करीब करीब उसी के पास चले गए तो अब इनको इसे जस्टिफाई करना है वही कालिदास का कहानी जो एक अंगुल उठाते हैं तो वह कहते हैं एक अंक फोड़ देंगे नहीं नहीं वह कह रहे थे ईश्वर एक है ये किस तरह से उन्होंने उन्होंने कहा कहा मुक्का मारेंगे तो उन्होंने नहीं पंचतत्व मिलकर एक मान यही जो घुमा फिराकर उनको किस तरह से जस्टिफाई करे तो यही हो रहा है मैंने कांग्रेस का दिमाग खराब हो गया है वह बैंक है वह बैंक है उनके भाषण में तो कोई क्वालिटी नजर नहीं आता आप क्या करें नहीं नहीं उनके भाषण के दौरान देखिए अमित शाह जी को तीन बार उठना पड़ा मोदी जी को चार बार उठना पड़ा है जेपी नड्डा को पांच बार उठना पड़ा अब स्पीकर भी उठ खड़ा होता तो और भी ज्यादा सम्मान हो जाता अगर ऐसा कुछ करते गड़बड़ करते कि स्पीकर ही खड़ा हो जाए तब तो बहुत सम्मान बढ़ गया यह ऐसे सम्मान नहीं होता है कौन कितना बार खड़ा हुआ कौन कितना बार टोका इस तरह का सम्मान नहीं होता है लेकिन जबरदस्ती सम्मानित करना है जहां सम्मान नहीं है क्या करें ये बेवकूफों के समझ में नहीं आ रहा जो मोदी की घृणा में मोदी की गलतियां है वो अलग बात है लेकिन मोदी की घृणा में आप एक हिंदू को गाली देने वाला को समर्थन करेंगे तो यही होगा उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है तो क्या करें आप टी शर्ट की तारीफ कर लीजिए या पैंट की तारीफ कर लीजिए जूते की तारीफ कर लीजिए वह खड़े किस तरफ देख रहे थे और नहीं तो आप एक काम कीजिए हाँ उनके दौरान ये रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर कितने बार खड़े हुए उसको काउंट कीजिए उससे उनकी महानता साबित हो जाएगा तो बेवकूफों का जब टोली है और वैसे जो बाकी उनके इंडी गठबंधन है बहुत जल्द उन्हें छोड़ने वाले हैं क्योंकि पहले दिन इतना बवाल इसके पहले भी बवाल कर चुके हैं इसके पहले वो स्पीकर के मामले में किसी से सलाह मशवरा नहीं किया अब डिप्यूटी स्पीकर कौन होगा ममता बनर्जी ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कह दिया या अखिलेश यादव के पार्टी वाले को बना तो ऑलरेडी विपक्ष में घमासान चल रहा है और यह इस तरह की बेवकूफी और करेंगे तो कुछ कांग्रेस के चमचे तो खैर इधर उधर कोशिश करेंगे लेकिन बहुत जल्द यह गठबंधन टूटने वाला है तो खैर हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार